साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल एक आदेश जारी हुआ था और उसमें मैंने वीडियो भी तुरंत बनाई, लेकिन हुआ क्या कि जब तक मैं वीडियो अपलोड करता तब तक आदेश बदल गया। आपको भी, आपने भी बहुत से लोगों ने देख लिया होगा कि 13 तारीख से आदेश किया था 28 तक, लेकिन मैंने वीडियो जब तक अपलोड करने की कोशिश की तब तक दूसरा आदेश आ गया, फिर मैंने वो अपलोड नहीं किया। तो जो नया आदेश है इसमें क्या है कि ये 15 तारीख से वितरण के लिए आदेश दिया गया है, और ये वितरण 15 से प्रारंभ होकर 29 मार्च तक, मतलब 15 मार्च से ये वितरण प्रारंभ होगा और 29 मार्च तक ये चलेगा। 29 मार्च ही वितरण की अंतिम तिथि होगी, जो अंतिम दिन है वो रहेगा। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने श्रीअन्न जो दिया है, मोटा अनाज, उसमें मक्का भी है, बाजरा भी है, और कोदो भी है, और क्या होता है ज्वार ये है, और गेहूं वो, और चावल, 6 तो अनाज हो गए। उसके बाद में चीनी भी है इसी वितरण में, यानी लगभग में आप ये मान के चलिए 7 चीज़ों का वितरण है। और जहां मशीनें नई हैं, जो नई मशीनें जो ई कांटे से लिंक हैं, वहां तो थोड़ी सी समस्या होने वाली है कि आपको बहुत समय लगेगा, बहुत केयर करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे सामने होली का त्यौहार भी है, तो निश्चित तौर पर भीड़ अधिक होगी, सर्वर की भी समस्या अचानक में आ सकती है एक दो दिन। तो इस तरीके से आपको अभी इस महीने ज़्यादा मेहनत करनी है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब जो सिस्टम इन्होंने बनाया है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन, अब जो भी हमारे, चाहे तो कार्डधारक देख रहे हों वीडियो और या कोटेदार, और कोटेदारों से भी मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने गाँव का जो भी ग्रुप हो उनमें शेयर कर दिया करो, जिससे कि लोग देख लेंगे कि वास्तव में कब से वितरण है और क्या क्या कैसे कैसे बटेगा। तो इसमें है क्या कि ये, अब तो आप क्लियर होगा कि 15 तारीख से ये प्रारंभ होगा और 29 तक चलेगा, और OTP के माध्यम से भी जो वितरण की तारीख है वो 29 तारीख ही रहेगी, 29 मार्च। अब इसमें है कि क्या क्या बटेगा। तो हम सबसे पहले अंत्योदय पे अगर देखें कि अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो मिलता है अनाज, और इस 35 किलो अनाज में आपको 14 किलो गेहूँ और 14 किलो चावल, ये तो फिक्स है। 51 जिले हैं, और मुझे लगता है कि ज़िले का नाम भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, लगभग जो चल रहे हैं वही ज़िले हैं जो पुराने आप देख रहे होंगे, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। मैं ज़िलों के नाम नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। 51 ज़िले हैं इसमें अंत्योदय में, और जिनको उठान किया है उनको सबको लगभग मालूम ही है, और 42 ज़िले हैं पात्र गृहस्थी के लिए जो दिया है। तो अंत्योदय में मैंने आपको बताया कि 28 किलो जो राशन है उसमें 14 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा, और जो 7 किलो शेष बचेगा उसमें 5 किलो बाजरा भी निश्चित है, बचा 2 किलो। इस 2 किलो में चाहे तो मक्का 1 किलो दे दें, 1 किलो ज्वार दे दें, 1 किलो कोदो दे दें, जो भी जैसा भी उनके पास बजट होगा, जैसी उपलब्धता होगी, उसके आधार पर वो डिसाइड किया जाएगा प्रत्येक ज़िले में। तो आप समझ गए होंगे अंत्योदय कार्डधारकों के लिए 14 किलो गेहूँ, 14 किलो चावल, 5 किलो बाजरा, ये तो पक्का हो गया, यानी 14 14 19 हो गया, सॉरी 28 और 5 33, बचा 2 किलो, 2 किलो श्रीअन्न होगा, और इस 2 किलो में उपलब्धता के अनुसार मक्का भी 1 किलो हो सकती है, 1 किलो ज्वार हो सकती है, या इनमें से कोई एक चीज़ कम हुई तो 1 किलो कोदो हो सकता है। ये तो हो गया आपका अंत्योदय का। अब हम बात करेंगे पात्र गृहस्थी की। तो पात्र गृहस्थी में क्या है कि आपको 5 किलो अनाज मिलता है एक यूनिट पर, तो उसमें आपको 1 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, ये फिक्स है, और 1 किलो बाजरा, ये भी फिक्स है। अब बचा 1 किलो, इस 1 किलो में जो मैंने चीज़ें इधर बताई थी, मक्का, कोदो और ज्वार में से जो भी उपलब्ध होगा आपके ज़िले में वो 1 किलो दिया जाएगा। अब क्लियर होगा मेरे हिसाब से कि आपका पात्र गृहस्थी में प्रति यूनिट जो 5 किलो राशन मिलता है उसमें 1 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो बाजरा, ये फिक्स है 4 किलो, और जो 1 किलो बचता है उसमें आपको कोई चीज़ ना हुई तो बाजरा ही 2 किलो कर सकते हैं, या मक्का हुई तो मक्का 1 किलो मिल जाएगी, या जो भी जैसा उठान हुआ होगा, आपको उठान हुआ है अपने अपने यहाँ, उसके हिसाब से जैसा भी है हर ज़िले में उस तरीके से होगा। इस वितरण में अब एक चीज़ और बचती है, वो है चीनी। चीनी तो लगभग जानते ही हैं, और विशेष तौर से कार्ड धारकों में जो कि ज़्यादा दिक्कत होती है जिन लोगों को, 18 रुपये प्रति किलो, और 3 महीने की आपको मिलेगी तो 54 रुपये की चीनी आपको ये होगी। तो यही सूचना देनी थी, क्योंकि कल मैंने बनाया था, मैंने डिलीट करना पड़ा वीडियो, क्योंकि आदेश बदल गया था,
और जिन जिलों में अभी मशीनें वितरित नहीं हुई हैं कांटे, तो वो तो अभी इससे ही चल जाएगा उनका, लेकिन जहां वितरित हो गया है और जहां पे बिल्कुल चालू कर दिया है उन लोगों ने, तो वहां पे थोड़ी सी समस्या आने वाली है। 6-6 आइटम तोलने पड़ेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोटेदारों को निश्चित तौर पर। तो मेरी यही शुभकामना है कि अब दीपावली का मौसम भी है, आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और लगभग जो दबाव होगा जनता का वो आप पे ज़्यादा होगा, सब लोग दीपावली से पहले ही लेना चाहेंगे। तो सॉरी दीपावली बोल दिया मैंने, होली का मौसम है, ठीक है ना। होली की सभी को पहले से शुभकामनाएं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे और सब होली से पहले ही राशन लेने की कोशिश करेंगे। और एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि वीडियो कैसा लगा, और इसमें कोई जानकारी अगर आपकी छूट गई हो, आपको लगता हो कि ये नहीं पूछ पाया, आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर जवाब देंगे आपका। और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।